गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में छात्रों हमने अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें आर्थिक क्रियाएं, ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है। आर्थिक क्रियाएं यहां आपको यह समझना होगा क्योंकि बेसिक एसेंशियल्स में भी इस बात को पढ़ा जाता है कि अर्थशास्त्र की कोई भी विषय वस्तु होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। यह क्रियाएं दो प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं, एक है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन दोनों का भेद हमें समझना होगा। यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वे क्रियाएं जिनको करने से आय का सृजन हो, वे क्रियाएं जिनको करने से आय का सृजन होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। आय का सृजन। अब यहां आय के सृजन से मतलब किसी भी काम, कोई भी काम हो, उस काम को करने से यदि आपको आय प्राप्त होती है तो वो आर्थिक क्रिया का भाग होगा। और इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रिया को ही पढ़ा जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता है। ये इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु नहीं हो सकती, ये इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु होती है। जैसे कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला के आय प्राप्त कर रहा है, कोई व्यक्ति पेपर बेच रहा है, पेपर बेचकर अपने आय प्राप्त कर रहा है, कोई व्यक्ति पानी की बोतल बेचकर अपने आय प्राप्त कर रहा है। छोटे छोटे जो भी व्यवसाय इकोनॉमी में किए जाते हैं उन व्यवसाय के बदले व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया का भाग होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वे क्रियाएं जिनको करने से आय प्राप्त नहीं होती है वे बिना आय के परमार्थ के लिए की जाती है। ऐसी क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे अंधे व्यक्ति को रास्ता पार करवा देना, निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था करना जिसके बदले हम पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी क्रियाएं जिनके बदले हम पैसा नहीं ले रहे हैं उनको गैर आर्थिक क्रियाएं कहा है। अब चूंकि आपको बताया गया यहां पर कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो आर्थिक क्रिया है, तो हम अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक कंपोनेंट्स को ही पढ़ेंगे। तो आर्थिक क्रिया में जो कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं उनमें एक आपको पढ़ना है उपभोक्ता, दूसरा आपको पढ़ना है उत्पादन, तीसरा आपको पढ़ना है विनिमय, और चौथा आपको पढ़ना है वितरण, पांचवा आपको पढ़ना है राजस्व। देखिए छात्रों, जब आपको प्रारंभिक कक्षा में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया था तब भी हमने इन विषयों के ऊपर चर्चा की थी, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स में आता है और इनको पढ़कर इकोनॉमिक्स की बेसिक बात सीख पाते हैं। तो पूर्व कक्षाओं में भी आपको बताया गया था कि उपभोक्ता कौन होता है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है, राजस्व क्या है, इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया। लेकिन यहां दोबारा से आप संक्षिप्त रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो बात करें उपभोक्ता ये बेसिक कड़ी होता है इकोनॉमिक्स की। उपभोक्ता वह होता है जो वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है, और उपभोग क्यों करता है इसका आधार है संतुष्टि। प्रत्येक वस्तु सेवा के अंदर संतुष्टि का गुण होता है, इस संतुष्टि को प्राप्त करने में उपभोक्ता उपभोग करता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए वस्तु सेवाओं का उपभोग किया जाएगा, और उन वस्तु सेवाओं का उपभोग करने वाला कौन कहलाएगा, उपभोक्ता। इसमें की गई क्रिया उपभोग कहलाए, उपभोग, उपभोक्ता, कंज्यूमर और कंज्यूम। तो व्यक्तिगत स्तर और सामूहिक स्तर पर वस्तु सेवाओं से प्राप्त संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए जिन वस्तु सेवाओं का उपभोक्ता करेगा वो उपभोग कहलाएगा, और करने वाला कौन होगा, उपभोक्ता होगा। दूसरे कंपोनेंट से बात करते हैं यहां पर, दूसरा है उत्पादन। देखिए
हम ऐसा समझते हैं कि उत्पादन का मतलब किसी वस्तु सेवा का निर्माण करना होता है। सामान्य रूप में हम ऐसा समझते हैं कि उत्पादन का मतलब किसी वस्तु सेवा का निर्माण करना होता है, लेकिन किसी वस्तु सेवा का निर्माण करना और उसे नष्ट करना यह काम उत्पादन का नहीं हो सकता, ये काम प्रकृति का है। इस दुनिया के अंदर, इस वैश्विक जगत में जो भी वस्तु सेवाएं बनी है उसका निर्माण और संघार दोनों प्रकृति ने किया है, नेचर ने किया है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं। इसलिए हम उत्पादन को यहां निर्माण या उत्पादन से नहीं समझेंगे। उत्पादन का मतलब है किसी वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि या उसकी उपयोगिता में वृद्धि। उपयोगिता में वृद्धि, किसी वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि या उसकी उपयोगिता में वृद्धि। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यहां पर लकड़ी, लकड़ी का उत्पादन किसने किया? मानव ने नहीं किया, लकड़ी का उत्पादन किया प्रकृति ने। तो प्रकृति ने लकड़ी बनाई, इस लकड़ी को मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बदला है, परिवर्तित किया है, और ये परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है ये मूल्य में वृद्धि या उपयोगिता में वृद्धि कहलाती है। जैसे लकड़ी को जंगल से काटा गया, उसके बाद इस लकड़ी से फर्नीचर बनाया गया, फर्नीचर बनाया गया। अब जो लकड़ी का प्रारंभिक मूल्य है और जो फर्नीचर का मूल्य है, दोनों के मूल्य में अंतर मिलेगा। तो यहां लकड़ी के मूल्य में अंतिम रूप से जो फर्नीचर के मूल्य में जो अंतर आया है, ये अंतर जो बड़ा है ये इसका उत्पादन है। तो पहली बार हमने मूल्य की वृद्धि की बात की यहां पर, दूसरी जो बात यहां पर है वो उपयोगिता में वृद्धि की है। तो यहां प्रारंभिक स्तर में लकड़ी की उपयोगिता और फर्नीचर की उपयोगिता में अंतर है, तो दोनों की उपयोगिता के अंतर को उत्पादन के तौर पर समझेंगे। तो लकड़ी, लकड़ी को बड़ाई ने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बना के उसको बाजार में प्रस्तुत किया, और बाजार में प्रस्तुत करने के बाद उसका अंतिम रूप से जो उपयोग किया गया वो उसकी उपयोगिता में वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। तो संक्षिप्त तौर पर मिस्टर एली की बात करें, प्रोफेसर एली हुए हैं, प्रोफेसर एली, इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु सेवा के अंतिम रूप से मूल्य में होने वाली वृद्धि को उत्पादन कहा जाता है। तो इसका रिसर्च ये निकल कर आता है कोई भी उत्पादन प्रक्रिया होगी प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन मूल्य में वृद्धि और उपयोगिता में वृद्धि कहलाता है। इसके अलावा बात करते हैं विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय का मतलब होता है लेन देन अदला बदली, आप इसको लेन देन भी कह सकते हैं और इसको आप अदला बदली भी कह सकते हैं। देखिए प्रारंभिक समय में मानव की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, मानव की सभ्यता और संस्कारों का मानव के अंदर विकास नहीं हुआ था, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, उनके बढ़ने से मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जब मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो समस्या आने लगी हमारे सामने, प्रश्न खड़ा होने लगा कि हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। तो उसको पूरा करने के लिए विनिमय प्रक्रिया का चलन हुआ, लेन देन का चलन हुआ। मेरे पास कोई वस्तु है, मैंने दूसरे व्यक्ति को दी है, दूसरे व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, मैंने प्राप्त कर ली है। मेरी वस्तु से पहला व्यक्ति आवश्यकता को पूरा कर रहा है, उसकी वस्तु से मैं आवश्यकता को पूरा कर रहा हूं। तो ये जो लेने देने वाली प्रक्रिया है, आपस में एक दूसरे में बदलने की जो प्रक्रिया है, ये विनिमय कहलाता है। प्रारंभिक समय में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तो उस समय ये विनिमय वस्तु के तौर पर किया जाता था। किसके तौर पर किया जाता था? वस्तु के तौर पर। और वस्तु के तौर पर जब विनिमय किया गया तो इसको कहा गया वस्तु विनिमय। देखिए छात्र, यह छोटा क्वेश्चन बन रहा है कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो वस्तु विनिमय का मतलब हुआ कि प्रारंभिक काल में जब मुद्रा का चलन विकास नहीं था, तब वस्तु सेवाओं का आपस में जो लेन देन किया जाता था वो वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, किसी व्यक्ति के पास मक्का है, किसी व्यक्ति के पास बाजरा है, तो मुझे यदि मक्का की जरूरत है तो मैं उसको गेहूं देकर बाजरा ले सकता हूँ, मक्का ले सकता हूँ, मक्का देकर गेहूं ले सकता हूँ। तो इस प्रकार का वस्तु के बदले वस्तु या काम के बदले वस्तु, आप अपनी सेवा को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बेच रहे हैं तो काम के बदले वस्तु या वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन होगा वो वस्तु विनिमय कहलाएगा। तो मैं यहां बता रहा हूं आपको, विनिमय दो प्रकार का हो गया कि प्रारंभिक काल में जब वस्तु का प्रचलन नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी,
जिसमें काम के बदले वस्तु या वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करने की जो प्रक्रिया है उसको वस्तु विनिमय का आ गया। और दूसरा जो है इसमें वो है मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय मल्टी एक्सचेंज। देखिए मल्टी एक्सचेंज में क्या हुआ कि जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं प्रबल होने लगी, विशिष्ट होने लगी, तो हम वस्तु से वस्तु का विनिमय नहीं कर सकते थे। वस्तु विनिमय बहुत सारे दोष उत्पन्न होने लगे। उन दोषों का मैं संक्षिप्त परिचय आपको ऐसे करवा दूं कि जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है कि दोहरे संयोग का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव, अभाव मतलब दोहरे संयोग का मतलब यह है कि यदि आपको किसी वस्तु का विनिमय करना है तो उसके विनिमय के बदले एक संयोग आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि मैं किसी व्यक्ति को गेहूं देना चाहता हूं और किसी व्यक्ति से मक्का लेना चाहता हूं तो जो देने वाला है उसके पास गेहूं होना चाहिए, लेने वाले के पास गेहूं की जरूरत होनी चाहिए और देने के लिए उसके पास मक्का होनी चाहिए। इस प्रकार के संयोग जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप विनिमय नहीं कर सकते। इसलिए प्राचीन काल में, प्रारंभिक समय में ये समस्या उत्पन्न होने लगी कि दोहरे संयोग ढूंढने से नहीं मिलते थे, मुद्रा का चलन, मुद्रा की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसी प्रकार दूसरी जो बात की गई इसमें अविभाज्यता की गई, विभाज्यता, अविभाज्यता कि वस्तु सेवाओं का विभाजन संभव नहीं था। प्राचीन काल में वस्तुओं को अन्य प्रकार के प्रतीक चिन्हों को मुद्रा का रूप दिया गया। जैसे अपन बात करें यहां पर कि एक गाय का मूल्य दो बकरी के बराबर है, यह बने एक विनिमय मूल्य बनाया। प्राचीन काल में पशुओं को मुद्रा का आधार माना गया, उसमें यह विनिमय मूल्य बनाया गया कि एक गाय का मूल्य कितने के बराबर है, दो बकरी के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को एक ही बकरी की जरूरत है या उसके पास एक ही बकरी है तो यह विनिमय हो जाएगा एक बटे दो गाय बराबर एक बकरी। तो यह सार्थक विनिमय नहीं हो सकता क्योंकि तो गाय एक ऐसी वस्तु है जिसका विभाजन संभव नहीं है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि उसको विभाजित किया तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब अविभाज्यता है जो वस्तुओं की, इससे भी समस्या होने लगी। इसके अलावा मूल्य मापक, ये प्रॉब्लम होने लगा। मूल्य मापक का मतलब होता है वस्तु सेवाओं का मूल्य क्या हो, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी वस्तु को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ मानता है। तो जब श्रेष्ठ मानता है तो फिर वस्तु सेवा का मूल्य क्या हो। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़कर मुद्रा विनिमय की ओर आगे बढ़े। इसके अलावा अगली प्रॉब्लम आने लगी मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य को भेजना। वर्तमान समय में या डिजिटल युग में हम बात कर सकते हैं इतने सारे साधन हो गए हैं कि मूल्य को आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन प्राचीन काल में क्योंकि वस्तु विनिमय चल अचल दो प्रकार की होती है, या वस्तुओं के लिए हम बात करेंगे तो चल वस्तु तो वे वस्तुएं होती है जिनको गति प्रदान की जा सकती है और अचल वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनको गति प्रदान नहीं की जा सकती। तो विशेष तौर पर चल वस्तुओं को तो स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन जो अचल वस्तु है जो एक स्थान स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती, ऐसी वस्तुओं की स्थानांतरण में समस्या आने लगी। तो मूल्य का स्थानांतरण संभव नहीं था। इसके अलावा संचय की समस्या आने लगी। संचय, मुद्रा को आसानी से संचय किया जा सकता है लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का संचय सरल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती हैं, जल्दी नष्ट हो जाती है और संचय करने में जगह ज्यादा घेरती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये सारी समस्याएं जो बनी, इन सारी समस्याओं ने किसका विकास कर दिया? मुद्रा विनिमय का विकास किया। तो मुद्रा विनिमय का विकास करके आगे इकोनॉमी को आगे बढ़ाया गया। तो यहां पर आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान, अदला बदली, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, काम के बदले काम का वस्तु का लेन देन। आगे जाकर इसमें समस्या उत्पन्न होने लगी, मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा विनिमय चलन में आया, फिर हम काम के बदले मुद्रा देने लगे, वस्तु के बदले मुद्रा देने लगे। इस प्रकार की जो विनिमय प्रणाली बनी मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाई। काम के बदले मुद्रा या वस्तु के बदले मुद्रा, क्या कहलाएगा? मल्टी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय। तो इस प्रकार से विनिमय। उसके बाद हम पढ़े वितरण,
वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पहले भी बताया गया था उत्पादन के चार साधन होते हैं, एक होता है श्रम, श्रम का मतलब होता है लेबर, इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, एक होता है भूमि, इसको भी हम एल से इंडिकेट करते हैं, एक होता है पूंजी, इसको हम के से इंडिकेट करते हैं, और एक होता है उद्यमी, उद्यमी इसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। तो ये उत्पादन के चार साधन होते हैं और ये चार साधनों के सामूहिक प्रयास से ही उत्पादन होता है। तो इनको ये जो चार साधन उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होता है, तो ये शामिल क्यों होता है? तो ये अपनी सेवा के बदले प्रतिफल प्राप्त करते हैं, और वो प्रतिफल किस रूप में होता है? श्रम को वेजेज मिलता है डब्ल्यू के तौर पर, उसको मजदूरी कहा गया है, भूमि को लगान मिलता है रेंट के तौर पर, पूंजी को ब्याज मिलता है कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और उद्यमी को प्रॉफिट मिलता है, जो रिस्क लेता है उसको लाभ मिलता है। तो ये चार प्रकार का जो प्रतिफल है वो इन साधनों को दिया जाएगा। जिस जिस साधन का उत्पादन में जितना योगदान होगा उसके अनुपात में इन साधनों को प्रतिफल मिलेगा। यह हम यूं कह सकते हैं कि जिस साधन की सीमा उत्पादकता एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट सीमांत भौतिक उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया में जिस साधन का सीमांत भौतिक उत्पाद जितना अधिक होगा उसको उत्पादन में उतना ही अधिक हिस्सा मिलेगा। तो यह वितरण का मतलब यहां यह है कि उत्पादन के साधन जो उत्पादन में संलग्न रहते हुए जो काम करते हैं उस काम के बदले उस उत्पादन में से उन साधनों को क्या मिले, कितना अंश मिले, कितना हिस्सा मिले। तो जो हिस्सा मिलने अंश देने की जो प्रक्रिया है उसको अर्थशास्त्र में वितरण कहा गया है। और ये वितरण किस रूप में होगा? श्रम को वेजेज के रूप में होगा, भूमि को लगान के रूप में होगा, पूंजी को ब्याज के रूप में होगा, उद्यमी को लाभ के रूप में होगा। कितना कितना मिलेगा ये निर्भर करेगा सीमांत भौतिक उत्पाद, साधन का सीमांत भौतिक उत्पाद। सीमांत भौतिक उत्पाद का मतलब होता है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधन की एक अतिरिक्त इकाई को लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसे सीमांत भौतिक उत्पाद कहते हैं। जिस साधन का सीमांत भौतिक उत्पाद ज्यादा होगा उस साधन को उतना ही अधिक अंश उस वितरण में मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व। राजस्व रेवेन्यू होता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सरकार विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, समाज में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो उन आर्थिक क्रियाओं में जो आय प्राप्ति और उस आय का वितरण सरकार के द्वारा जनता से आय प्राप्त की जाती है और उस आय को फिर जनता में रिवर्स किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनको संपन्न किया जाएगा, उसके बदले उस आय को व्यय किया जाएगा। तो जनता से सरकार आय प्राप्त करेगी, सरकार जनता को वितरण के राजस्व के तौर पर विभिन्न प्रकार के खर्चों में उस आय को व्यय करेगी। तो ये जो आय और व्यय की जो प्रक्रिया है सरकार की उसको हम राजस्व कहते हैं। तो यहां देखिए छात्रों, आर्थिक क्रियाएं हमने पढ़ा है, आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जिनमें आय का सृजन होता है, जिनमें आय का सृजन नहीं होता है वो गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। इन आर्थिक क्रियाओं को हमने चार पांच कंपोनेंट्स में बांट दिया है। उपभोक्ता होगा कंज्यूमर, जो वस्तु सेवाओं का उपभोग करेगा, उत्पादन मूल्य में वृद्धि, उपयोगिता में वृद्धि उत्पादन कहलाएगा। विनिमय दो प्रकार से आपको बताया गया, एक वस्तु विनिमय, काम के बदले जो वस्तु मिलेगी तो वस्तु विनिमय कहलाएगा, और काम के बदले मुद्रा मिलेगी तो मुद्रा विनिमय कहलाएगा। और वितरण का मतलब होता है उत्पादन के विभिन्न साधन उनको उत्पादन के मिलने वाला अंश। राजस्व का मतलब होता है आय और व्यय का लेखा जोखा करना, उसको आदान प्रदान करना। ऐसी प्रक्रिया आर्थिक कंपोनेंट्स में पड़ी जाती है। तो देखिए छात्रों, ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है उसमें ये जो परिचय मैंने करवाया पहले इससे पहले वाली क्लास में या इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जो बताया गया था वो इकोनॉमिक्स का उद्भव और विकास बताया गया। इकोनॉमिक्स कैसे बना, किसने इसको बनाया, कैसे प्रक्रिया इसमें चली है, उसका एक ही भाग ये बनता है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऐसा ही कोई छोटा लेक्चर लेकर अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।